पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा चलाए गए संपत्ति संबंधी अपराध में माल मुलजिम पतारसी अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश, SDOP मनासा संजीव मुले के निर्देशन में थाना प्रभारी मनासा की टीम द्वारा आज दिनांक 3 मार्च 2022 को थाना मनासा की टीम को आज रोड गश्त के दौरान उन्नी धनजीत सिंह डामोर को उनके विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर थाना मनासा के अपराध क्रमांक अन्य क्रमांकों के तहत मनासा के अपराध अन्य और ट्रैक्टर को आरोपी दीपक पिता सुरेश वापस निवासी पूर्विया मोहल्ला मनासा व विशाल पिता मुकेश खाती पटेल निवासी मनासा से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये एक दिलीप पिता शंभूलाल प्रजापति हैं, पूर्विया मोहल्ला में रहते हैं मनासा में। इनका ट्रैक्टर घर के बाहर रखा हुआ था, फार्मर ट्रैक ट्रैक्टर घर के बाहर रखा हुआ था। तो 9 फरवरी को घर के बाहर से कुछ अज्ञात लोग चुरा के ले गए थे, जिस पे पुलिस टीम लगी हुई थी, रेगुलर आसूचना संकलन की जा रही थी। तो उस पर कल जानकारी मिली अपने को कि ये जो मनासा से चुराया हुआ फार्मर ट्रैक ट्रैक्टर है, इसको बेचने के लिए कुछ लोग इधर हाईवे से होते हुए जेतपुरा बंटे होते हुए राजस्थान तरफ जा रहे हैं, जिस पे पुलिस टीम ने दबिश देकर नाकाबंदी कर जेतपुरा बंटे से ट्रैक्टर बरामद किया, जिसमें 2 आरोपी भी पकड़ाए हैं, जिनमें आरोपियों का नाम है दीपक पिता सुरेश निवासी पूर्विया मोहल्ला, विशाल पिता मुकेश खाती पटेल निवासी मनासा। दोनों ही व्यक्ति ट्रैक्टर के साथ मिले हैं। अभी प्रकरण में ट्राली भी गई हुई है, ट्राली की भी पतारसी जारी है और अन्य आरोपियों की संलिप्तता की भी विवेचना की जा रही है, जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।